अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो आज मैं आपके सामने कुरान पाक की फजीलत के बारे में चंद बातें बताना चाहूँगी। कुरान पाक यानि अल्लाह ताला का कलाम, ये मुकद्दस किताब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही की सूरत में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस मुकद्दस किताब में ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका बताया गया है और बुराई और बदी से बचने की तलकीन की गई है। कुरान पाक हिदायत और हिकमत वाली किताब है जो हमें गुमराही से बचाती है और हिकमत सिखाती है। ये किताब सच और झूठ, सही और गलत, और हलाल और हराम में फ़र्क करना सिखाती है। कुरान मजीद जहालत के अंधेरों से दूर रखती है और तौहीद के नूर से चमकाती है। ये किताब रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। इस किताब में 30 पारे, 114 सूरे और 540 रुकू है। कुरान पाक की फजीलत समझने के लिए ये बात काफ़ी है कि जिस रात ये किताब नाजिल हुई उस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इबादत को हज़ार महीनों से अफजल करार दिया, सुबहान अल्लाह, जिसकी गवाही खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कदर की पहली 3 आयतों में बयान करते हैं, जिसमें अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तर्जुमा, हमने कुरान मजीद शबे कदर में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या समझे हैं लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शबे कद्र फजीलत व बरकत और अजर व सवाब में हज़ार महीनों से बेहतर है। तो इन आयतों से कुरान मजीद की फजीलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये किताब खैर व बरकत वाली किताब है, जिसने इस पर अमल किया उसको खैर हासिल हुआ। हमें चाहिए कि हम इस किताब की रोज़ाना कसरत से तिलावत करें और इसके माने व मफ़हूम पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करना ज़रूरी है ताकि हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिले। आखिर पर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ऐ अल्लाह, हमें कुरान मजीद समझने और इसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा, और जब तक मेरी नई वीडियो आती है तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।